श्री राम। सीता रुक जा, पकड़ सकेलू तो पकड़ ल, हम रुके वाली नहीं थी। शिवधनुष के कक्ष में चल गए ली। हाँ हाँ, चलो चलो, हमने और चल जा, चलो चलो। श्री बहुत क्रोधित हुई है। काहे गुस्सा होखी है? तो शिव धनुष के पूजा जे कर दे लो। पूजा कहला से कभी क्यों गुस्सा हो खेला मानवी? उस दिन पिताजी माई से बोलत रहलन कि शिव जी के देवल इस धनुष के हमनी के हर वर्ष पूजा करे के चाहिं। ना कहला पर? ना कहला पर शिव जी के इस धनुष शिव जी के लगी चल जाई। ये खातिर हम पूजा कर देनी। अब शिव धनुष अहीं जे रही और हमनी एकर संगे खेल सकेनी। न होखी पुत्री, हमनी सब बानी नहीं जा। भैया ये अचानक तूफान का है अरल बा। आवा देखल जाओ। जी भैया, वो बिंदु देख रहा बा जी, ऐसा लाग रहा बा कि जैसे वह तूफान बन के मिथिला नगरी की तरफ बढ़ रहा बने। महाराज जनक, ये मिथिला नगरी में ऋषि मुनि लोगन के आदर करे के प्रथा समाप्त हो गई। बाहर गौ परशुराम जी, रहुआ के अचानक अपना सामने देख के विश्वास ना हो रहा कि रहुआ मिथिला नगरी में राउर स्वागत भा। आज्ञा दे प्रभु। महाराज जनक, हम जाने नहीं हमरा यहाँ अचानक आ जाए से राउर वन में कितना बड़ा तूफान उठल होगी। खाली मन में ना, पूरा नगरी में तूफान उठल रहे मान्यवर। बाकी हम विवश रहनी राजन, महेंद्र पर्वत पर तपस्या करत रहनी और वहां हमके शिवजी के साक्षात्कार भइल और वो हमके संकेत देहलन कि राउर लागे जौन उनकर धनुष बा, हम उकर दर्शन करके आए। यही खातिर मन के गति से तत्काल हम ऐजा आ गए नी।
राजन, ओ पवित्र शिव धनुष के दर्शन करे के हमके बहुत लालसा बा। बाकी रउआ ओकर लेके तो न जाइब ना। एकरा क्षमा कर दीदी शिवर, बच्ची भी आ भी, हमनी के पुत्र भी आ सीता। सीता? तो प्रभु के लीला आरंभ हो गई बा। महाराज जनक, शिव धनुष के देख के ऐसा प्रतीत हो रहल बा जैसे हम साक्षात शिव जी के दर्शन कर रहल बानी। रउआ परम भाग्यशाली बानी, राउर भवन में साक्षात शिव शंकर ई धनुष के रूप में वास कर रहल बाड़े। कई युग से ई धनुष रउआ संभाल के रखले बानी। एकरा यही तरह से संभाली, एकर सम्मान करी, भूल के भी एकर अवहेलना ना होके के चाही। ओम नमः शिवाय। अब हमके महेंद्र पर्वत जाए के बाद पिताजी, वो यहाँ से इतना जल्दी कैसे चल गए लन? भार्गव परशुराम जी के मन के गति से चले के वरदान मिलल बा। महादेव उनकरा के अपन पुत्र माने लेन। सुने ना, आज हमनी के मिथिला नगरी परशुराम जी के अहिला से पवित्र हो गई बा। हाँ, बाकी हमके कुछ बेचैनी हो रहल बा। काहे? वो बोलन कि शिव धनुष के अवहेलना करके उनका क्रोध के निमंत्रण ना देवल जाए, कहीं भविष्य में होखे वाला कौनो घटना के संकेत तो नहीं खे। धनुष के दर्शन करे खातिर परशुराम जी अपना तपस्या छोड़ के ऐलन, उस धनुष के बारे में सब जाने के मन करता। पिताजी, हमनी के बताई इस धनुष के विशेषता का हो? हाँ हाँ, हमके भी बताई ना। हमरा के भी, हमके भी, हमनी के बताई ना पिताजी। महाराज, बच्चा लोग की इच्छा के पूरा करी। एगो असुर रहे, तारकासुर। ओकर तीन पुत्र रहे, वरदान के कारण उन लोग के केहू ना मार सकत रहे। ऐसन का कर ले रहे उ लोग अंतरिक्ष में तीन गोपुर बंधले रहे, त्रिपुर। और ये तीन पुर सदा ही उड़त रहले। तो का भई, उड़ते हुए पुर की मारल ना जा सकत रहे? मारल जा सकत रहे, बाकी तब जब एक बार में ही तीनों के भेदन कैल जाए और तीनों के कभी भी एक संगे ना देखल गए। तकाऊ अलग अलग उड़त रहे? हाँ, यही खातिर एक के गो बाण से उन लोग के ध्वस्त कइल, देवता लोग खातिर मुश्किल हो गई। फिर देवता लोग का कइले? सब देवता मिलके शिवजी के शरण में गइलन। बाकी पिताजी, ई पवित्र धनुष
रउवा लगे कैसन आयल। तारकासुर के पुत्र लोक के विनाश कैला के बाद शिवजी धनुष हमनी के पूर्वज महाराज गिरिराज के दहलन। तब से ही शिव धनुष हमनी के भवन में बा। धनुष देते समय शिवजी एगो शर्त रखले कि हर वर्ष शिव धनुष के पूजा होके के चाही, ना तो धनुष शिवजी के पास वापस चल जाई। इहे खातिर तम प्रतिदिन एकर पूजा करेनी। अचानक नृत्य काय करत रहलू? ऐसन लागल कि हूँ हमार खातिर वीणा बजा रहल बा और अपने आप हमार रोम रोम नाचे लागल। केहू ना तोहार उ तोरा खातिर वीणा बजा रहल हो ये। गुरु मां माई बोलत रहली भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करेलन। कैसे? समय समय पर अवतार लेके बैठा। गुरु माँ अब भगवान विष्णु कब अवतार लिए हमरा खातिर? अवतार तो ले 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 हुई है। एकरा भगवान विष्णु से विवाह जी करे के बा। सीते प्रभु अवतार लेवेलन धर्म के रक्षा करे खातिर, अधर्म और अधर्मियों के विनाश करे खातिर, साधु और संत लोग के अजय देवे खातिर और दुर्जन के वध करे खातिर। यदि प्रभु अवतार ले ले होखी तो अधर्म और अधर्मी लोगन के विनाश करे खातिर हम प्रभु के साथ देव।
श्री राम।